थेवेनिन थ्योरम जो है ये हम लीनियर टू टर्मिनल सर्किट के लिए यूज करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करते हैं बाय फाइंडिंग द वोल्टेज सोर्स वी थेवेनिन इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस आर थेवेनिन. सो लेट्स गो ऑन सर्किट. नाउ वी हैव टर्मिनल्स ए एंड बी और इनके साथ ये पूरा सर्किट कनेक्टेड है एंड वी हैव अ लोड कनेक्टेड टू दिस सर्किट विच इज आर एल लोड रेजिस्टेंस. लोड इज 2 ओम. तो सर्किट ए एंड बी टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है. इस पूरे सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं by two parameters only, which is a voltage source and a resistance. और load जो है वो additive आ जाएगा. अब voltage जो है उसको हम V Thevenin कहेंगे and resistance is R Thevenin and RL is the load. Find हमने क्या करना है, current through load resistance. तो जब हम Thevenin equivalent circuit draw कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास इस करंट को फाइंड करना बहुत सिंपलीफाइड हो जाएगा. वी विल गो थ्रू स्टेप वाइज. स्टेप वन इज के वी हैव टू फाइंड आर थेवेनिन यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. आर थेवेनिन फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं दैट आर टू रिमूव द लोड यानी आर एल जो लोड रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर दें. उसको रिमूव करेंगे तो टर्मिनल्स ए एंड बी हमारे पास ओपन सर्किट हो जाएंगे. जो सोर्सेज हैं उन सबको इग्नोर कर दें. वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्सेज को ओपन सर्किट कर दें. वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे तो करंट जीरो हो जाएगा. वी रीड वा द सर्किट विद अ शॉर्टेड वोल्टेज सोर्स अ रेजिस्टेंस. करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा. सो इसको हम ड्रॉ करें या ना करें इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. Terminal A and here is 4 ohms resistance and terminal B. V is equal to 0 and I is equal to 0. So, sub sources jo hain wo 0 ho gaye hain. Now, 6 ohm resistance series mein hai with other 6 ohm resistance. So, 6 plus 6 is 12 ohms. 12 ohm resistance is in parallel with 4 ohm resistance. So, 3 ohms. We get one equivalent parameter which is R Thevenin. Let's go to step 2. In second step, we have to find V Thevenin, Thevenin voltage. To find V Thevenin, jo load resistance hai RL, usko hum open circuit kar denge, yani remove kar denge, like we did for R Thevenin. And jo voltage V Thevenin hai, वो हमारे पास उस ओपन सर्किट वोल्टेज के इक्वल आ जाएगी. द वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी इज वी थेवेनिन और ये V Thevenin जो है ये 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसके इक्वल होगी क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है. नाउ सेट द वोल्टेज एट दिस नोड. यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट्स का और इस नोड पे वोल्टेज V1 है और इस नोड पे V2 है. अब V2 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है तो V Thevenin किसके इक्वल होगा V2 के. नाउ बाय नोडल एनालिसिस एंड एट नोड 1 नोड 1 पे वोल्टेज क्या है V1. करंट एंटर हो रहा है यहाँ भी करंट एंटर हो रहा है. करंट 6 ओम रेजिस्टेंस में जा रहा है. दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ करंट. सो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे. सो 12 वोल्ट हायर पोटेंशियल है और माइनस लोअर पोटेंशियल क्या है V1 ओवर 6 एंड सिमिलरली 2 एम्पियर इज इक्वल टू V1 माइनस V2 ओवर 6 यानी V1 की तरफ से करंट जा रहा है V2 की तरफ. सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है सो V1 माइनस V2 ओवर 6. So V1 is 24 plus V2 over 2. हमें एक्चुअली V2 की वैल्यू चाहिए.
क्योंकि वी थेवेनिन जो है वो वी टू के इक्वल है, करंट वी टू में एंटर हो रहा है, एंटर होने के बाद ये करंट 4 ओम रेजिस्टेंस पे जाएगा और ओपन सर्किट है तो एट नोड टू, नोड टू में क्या होगा 6 ओम रेजिस्टेंस से करंट आ रहा है वी टू की तरफ यानी सेकेंड नोड की तरफ, सो वी वन माइनस वी टू ओवर 6 इज इक्वल टू वी टू माइनस 0 ओवर 4, वी टू ओवर 4. सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, 2v1 माइनस 2v2 इज इक्वल टू 3v2. अब v1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो इस इक्वेशन से हम v2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इज इक्वल टू 3v2. सो v2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट. अब v2 हमने कहा है कि v थेवेनिन जो है वो v2 के ही इक्वल है क्योंकि v2 जो है वो पैरेलल है v थेवेनिन के. सो v थेवेनिन आवर सेकेंड पैरामीटर इज इक्वल टू 6 वोल्ट. वी फाउंड द टू पैरामीटर्स वी थेवेनिन एंड आर थेवेनिन. आर थेवेनिन इज 3 ओम्स एंड लोड रेजिस्टेंस हमारे पास क्या था 2 ओम्स. दो रेजिस्टेंसेज हैं सर्किट में और दोनों सीरीज में हैं और सीरीज में करंट सेम होता है. सो आई करंट जो आर थेवेनिन में पास करेगा वही आर एल में पास करेगा और हमने आर एल के अक्रॉस करंट फाइंड करना है. सो इट विल बी आई इज इक्वल टू वी ओवर आर. वी थेवेनिन है हमारे पास वी और आर क्या आ जाएगा आर थेवेनिन प्लस आर एल क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंसेज ऐड होती हैं और करंट सेम होता है. सो आई इज इक्वल टू वी ओवर टोटल आर 3+2 आई इज इक्वल टू 1.2 एम्पेयर. सो हमने करंट फाइंड करना था थ्रू लोड रेजिस्टेंस विच इज 1.2 एम्पेयर जो कि हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करते हुए करंट आई की वैल्यू फाइंड की है.